नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी 22-23 अक्टूबर को रूस के कजान में होने वाले 16वीं ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। इस दौरान वे अन्य सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग भी समिट में उपस्थित रहेंगे, जिससे दोनों नेताओं के बीच संभावित मुलाकात की उम्मीद है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पास किया। ये फैसला गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया और उमर दो दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रस्ताव का ड्राफ्ट सौंपेंगे। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरेटरी में बदल दिया था। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से 5000 की निजी मुचलके पर जमानत मिली है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल खत्म होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, जब कोर्ट में उनकी पत्नी भावुक होकर रोने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह निषेध अधिनियम पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे किसी भी पर्सनल लॉ बोर्ड के नियमों के तहत नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी को अपने जीवन साथी का चुनाव करने का अधिकार है और बाल विवाह इस अधिकार का उल्लंघन है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है, जिससे अब सेक्शन बी में केवल 5 सवाल दिए जाएंगे और सभी सवालों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। पहले इस सेक्शन में 10 सवाल दिए जाते थे, जिनमें से केवल 5 हल करने का विकल्प था। एनटीए ने यह बदलाव कोविड के दौरान अपनाए गए वैकल्पिक फॉर्मेट को समाप्त करते हुए किया है। तमन्ना भाटिया को गुवाहाटी में HPZ टोकन मोबाइल ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये ऐप कथित तौर पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से धोखाधड़ी में शामिल है, लेकिन तमन्ना के खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं है। पहले भी पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर वे काम की व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो पाई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यह गठबंधन आगामी चुनाव में एकजुटता के साथ मैदान में उतरेगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। हालांकि 1 मिनट का कट लगाया गया है। फिल्म के कुछ सीन पर सिख संगठनों की आपत्ति के बाद CBFC ने 3 सीन डिलीट करने का निर्देश दिए थे। अब कंगना जल्द ही फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा करेंगी। सोने का भाव पहली बार 77,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। IBJA के आंकड़ों के अनुसार आज 18 अक्टूबर को सोना 522 रुपये महंगा होकर 77,332 रुपये के स्तर पर है। वही चांदी 335 रुपये की तेजी के साथ 91,935 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है। सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसे मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम पर व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया। धमकी में कहा गया है कि सलमान को लॉरेंस गैंग से दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए देने होंगे, लेकिन सलमान इन सभी धमकियों से बेपरवाह करते हुए अपने रियलिटी शो बिग बॉस 18 की शूटिंग शुरू कर दिए हैं। इधर मुंबई पुलिस धमकी देने वाले की पहचान करने में जुट गई है। रिलायंस जियो यूजर्स को 5G कवरेज और डाउनलोड स्पीड में बेहतरीन अनुभव मिल रहा है। ओपन सिग्नल की हालिया रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आया है। एयरटेल और अन्य कंपनियों की तुलना में जियो की सर्विसेज ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो रही हैं। इसके साथ ही कंपनी का ग्राहक आधार 47 करोड़ तक पहुँच चुका है, जिससे वे इस क्षेत्र में सबसे आगे बनी हुई है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रैप रूल लागू हो गया है। इसके तहत प्रदूषण के बढ़ते स्तर के अनुसार सख्त नियम लागू किए जाएंगे, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर पर भी असर पड़ेगा। निर्माण कामों पर रोक और सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना डेवलपर्स के लिए जरूरी होगा। ग्रैप का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। दुनिया भर में गुरुवार को सुपर मून देखा गया, जिसमें चंद्रमा सामान्य से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा चमकीला नजर आया। ये घटना तब होती है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। इस साल का तीसरा सुपर मून 15 नवंबर को फिर दिखाई देगा।
सुप्रीम कोर्ट ने ईसा फाउंडेशन के खिलाफ सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया, जिसमें एक पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटियों को ब्रेन वॉश किया गया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों बेटियां व्यस्क हैं और अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। इसके बाद अदालत ने हैबियस कॉर्पस याचिका को खारिज करते हुए आगे की कार्रवाई की। अमेजन वेब सर्विसेज के सीईओ मैट गार्मन ने जनवरी से लागू होने वाली 5 दिन की ऑफिस नीति का समर्थन किया, ये कहते हुए कि जो कर्मचारी ऑफिस नहीं लौटना चाहते उनके लिए विकल्प उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कंपनी सहयोगात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में निवेशकों ने राहत की सांस ली, जहां सेंसेक्स 218 अंकों की गिरावट के साथ 81,224 पर और निफ्टी 104 अंकों की बढ़त के साथ 24,854 पर बंद हुआ। घरेलू निवेशकों की खरीदारी के चलते बैंकिंग, ऑटो और फार्मा शेयरों में तेजी आई, जबकि आईटी स्टॉक्स में गिरावट देखी गई। भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि की वजह से विश्व बैंक ने इसकी तारीफ की है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा के अनुसार भारत ने 6 से 7% या उससे अधिक की वृद्धि दर हासिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस प्रकार भारत का उपभोक्ता बाजार और विकास दर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। फिनटेक फॉर्म भारत पे के को फाउंडर असनीर गुरवर ने विवाद समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए NCLT में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है। गुरवर ने कंपनी के साथ 30 सितंबर 2024 को समझौता किया था। उनके वकील ने याचिका वापस लेने का आवेदन और समझौते की प्रति पेश की। शहरों में बढ़ती ट्रैफिक समस्याओं के कारण वाहन इंजन खराब होने के कई कारण सामने आए हैं। नियमित इंजन ऑयल चेंज, तेज गति से चलाना और अनियमित रखरखाव जैसे कारकों से इंजन की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सही देखभाल नहीं होने पर वाहनों की उम्र कम हो जाती है। बॉलीवुड सितारे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का आलीशान बंगला बांद्रा में बनकर तैयार हो गया है, जिसकी कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस बंगले को रणबीर ने अपनी बेटी राहा के नाम पर रजिस्टर किया है। कपल जल्द ही अपनी लाडली के साथ नए आशियाने में शिफ्ट होने की योजना बना रहा है। भारत में धनतेरस और दिवाली के दौरान नई कार खरीदने वाले ग्राहकों को डीलरशिप से धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है। कई डीलर पुरानी मैन्युफैक्चरिंग की कारें बेचने के लिए ग्राहकों को गुमराह करते हैं, जिससे ग्राहक अनजाने में असंतोषजनक डील में फंस जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्राहकों को डिलीवरी से पहले कार की मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करनी चाहिए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज इंडिया 2024 में ICMR के महानिदेशक ने बताया कि IIT कानपुर के सहयोग से स्वदेशी हाथ से पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की गई है। ये मशीन विदेशी विकल्पों की तुलना में आधी कीमत पर उपलब्ध है। अब घर पर भी TB की जांच संभव होगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। अमिताभ बच्चन ने बताया कि उनके नाती अगस्त्या नंदा ने न्यूयॉर्क में एक भारतीय रेस्तरां में उनके नाम की डिश देखकर उन्हें पहचानने पर फ्री खाना पाना शुरू किया। रेस्तरां ने 2 साल तक अगस्त को फ्री में भोजन दिया। वहीं इस पर कार्तिक आर्यन ने मजाक में कहा कि जब वे जुहू में खाना खाने जाते हैं तो उनसे पूरी कीमत वसूली जाती है। CBDT ने फॉर्म 12BAA पेश किया, जो कर्मचारियों को वेतन TDS कम करने में मदद करेगा। ये फॉर्म कर्मचारियों को आय के अन्य स्रोतों से काटे गए TDS और TCS की जानकारी अपने नियोक्ताओं को देने का अवसर देता है। हाल ही में प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने रिचार्ज प्लान की कीमतों में वृद्धि की है और अब कहा जा रहा है कि ये कंपनियां अपने ग्राहकों को एक बार फिर झटका दे सकती है। वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल 2027 या उससे पहले अपने टैरिफ में 15% तक की बढ़ोतरी करने की संभावना जता रही है। उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2023-24 में केवल 48,333.44 करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन किया, जबकि महाराष्ट्र ने 7.62 लाख करोड़ रुपए के साथ पहले स्थान पर है। कर्नाटक और दिल्ली क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इस साल कुल डायरेक्ट टैक्स वसूली जो है 19.62 लाख करोड़ रुपए रही है।
इंस्टाग्राम ने नया कस्टमाइजेशन फीचर प्रोफाइल कार्ड लॉन्च किया है, जो क्रिएटर्स और यूजर्स को दो स्लाइड्स वाला डिजिटल बिजनेस कार्ड साझा करने की सुविधा देता है। इस कार्ड में प्रोफाइल पिक्चर, बायो और एक क्यूआर कोड होगा, जिससे लोग आसानी से आपके प्रोफाइल तक पहुंच सकेंगे। भारत से हर साल बड़ी संख्या में छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, जिनमें कनाडा सबसे लोकप्रिय गंतव्य है। कनाडा में 40% से अधिक विदेशी छात्रों का संबंध भारत से है और यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स की मांग बढ़ रही है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 23-24 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की संभावना से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी दी गई है। भारतीय टीम ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन शानदार वापसी की, जहां उसने 3 विकेट पर 231 रन बनाए। विराट कोहली ने 102 गेंदों में 70 रन की पारी खेलकर लाल गेंद क्रिकेट में 9000 रन का आंकड़ा पार किया। सरफराज खान भी 70 रन बनाकर नाबाद है, जिससे न्यूजीलैंड की लीड अब 125 रनों की रह गई। और जाते जाते एक सवाल छोड़े जाते हैं, इसका जवाब आप जरूर बताइएगा। आपके क्षेत्र में सड़कों की स्थिति कैसी है, इसका जवाब जरूर बताइएगा। धन्यवाद।